हुई है कि जो भी नोएडा आया उसकी कुर्सी नहीं बची। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा को जब भी कोई सौगात देते हैं, लोकार्पण हो या शिलान्यास हो, वो लखनऊ से ही करते हैं। ग्यारह बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे आज सीएम। नोएडा की जनता को ये बड़ी सौगात, ग्यारह बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। मेट्रो एलिवेटेड रोड पर और अंडरपास का भी लोकार्पण होगा। संवाददाता विशाल रघुवंशी लाइव हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विशाल, नोएडा की जनता को कई सौगातें देने जा रहे हैं आज सीएम अखिलेश यादव, क्या कुछ परियोजनाएं हैं जिनका वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया जाएगा? देखिए, आज अखिलेश यादव लखनऊ से ही नोएडा को आज सौगात देंगे। करीब 11 परियोजनाएं हैं जिसमें मेट्रो से लेकर बस तक की बातें हैं, और दूसरी चीज क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे। एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है मेट्रो के लिए, नोएडा के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ मेट्रो जो है बॉयटेक्निक गार्डन से जो चलेगी कालिंदी मार्ग तक, उसके लिए आज मेट्रो का जो लोकार्पण है वो किया जाएगा। और कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में नोएडा को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम आज उठाने जा रहे हैं। क्योंकि लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नोएडा का जो राजनीतिक अंधविश्वास है उसके चलते अखिलेश यादव शायद नोएडा नहीं जाते हैं, और ये फिलहाल 5 सालों तक देखने को मिला है। ये करीब 1988 में वीर बहादुर सिंह से शुरुआत इसमें हुई थी, जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वो एक बार पहली बार नोएडा गए थे, तो उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, चाहे मायावती हो या कल्याण सिंह हो या खुद मुलायम सिंह यादव हो, जो जो नोएडा गए उनकी कुर्सी जाना तय माना जाता था। तो ऐसे में यही वजह है कि अखिलेश यादव नोएडा नहीं जा रहे हैं, वो लखनऊ से ही पूरे 5 KD जो उनका सरकारी आवास है 5 KD मार्ग, वहाँ से पूरी योजनाओं का की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा में आज एक बड़ी योजनाओं को सौगात देंगे। इसकी जो लागत है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि 21 जो दिसंबर को जो सप्लीमेंट्री बजट आने वाला है उसमें इन योजनाओं के लिए पैसा भी आएगा। तो मतलब साफ है कि अखिलेश यादव नोएडा को और हाईटेक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि NCR कहलाया जाता है, और ऐसे में जो चीज़ें दिल्ली करीब हैं वहाँ पे वो यूपी की जो छवि है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नोएडा में आज कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, और कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो विकास की बात कहते हैं अखिलेश यादव कि विकास के रथ पर समाजवाद, तो उसके क्षेत्र में काम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने सरकारी आवास पर वो 11 बजे इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे, और कह सकते हैं कि चुनावी जो रथ है, चुनावी रथ में इस बात का जिक्र कर सकते हैं जब पश्चिमी यूपी में जब निकलेगा रथ तब, तो इन सब चीज़ों को लेकर ही वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं कि हम आएंगे तो और क्या विकास के कार्य करेंगे। हालांकि क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ख्वाब देखा था अखिलेश यादव ने, इस बात का जिक्र उन्होंने पिछली बार भी किया था, तो उसी सब चीज़ों को लेकर आज कई सौगातें देने वाले हैं। जी विशाल, नोएडा को सौगातें जरूर दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन नोएडा की जमीन पर आज तक 5 साल होने जा रहे हैं सरकार को, सीएम ने कभी यहां कदम नहीं रखा। हालांकि सीएम इस बात से कहते हैं कि ये भ्रांतियों को वो ध्यान में नहीं देते, ऐसे फोबिया को वो नहीं मानते, लेकिन 5 साल में एक बार भी नोएडा की जमीन पर अपने कदम न रखना कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि सीएम को भी इस बात का डर है कि अगर वो नोएडा आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। हाँ देखिए, यही बात वजह है कि सीएम जानते हैं कि राजनीति में जो अंधविश्वास होता है वो शायद काफ़ी मायने रखता है, और भले ही वो कई बार बोलते हों कि अंधविश्वास हम नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो नोएडा इसीलिए नहीं जाते हैं। शुरुआत तब हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा आ रहे थे, आगवानी करने अखिलेश यादव को जाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने मंत्री को भेज दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये साफ कर रही हैं कि अखिलेश यादव नोएडा इसे भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो जो मुख्यमंत्री नोएडा गया है अपने कार्यकाल में उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। ये 1988 से शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार कई सीएम गए नोएडा और उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव शायद नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीति का अंधविश्वास उनके जीवन में सच्चाई कर जाए और उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़े। तो फिलहाल कुर्सी गंवाने के डर से वो नहीं जाना चाहते हैं नोएडा, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास वो लखनऊ से ही करते हैं। इससे पहले भी कम से कम 5 से 6 योजनाएँ उन्होंने लखनऊ से ही 5 KD अपने जो सरकारी आवास है वहाँ से शुरुआत की थी।
पांच साल होने वाले हैं और इन पांच सालों में एक बार भी रुख नहीं किया है। हालांकि गाजियाबाद सीएम जा चुके हैं लेकिन नोएडा नहीं जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति के इतिहास में जो भी सीएम नोएडा गया है उत्तर प्रदेश का, उसकी कुर्सी गई है। तो इन्हीं सब चीजों को वो शायद मानते हैं और इन्हीं सब वजह से आज वो लखनऊ के जो पांच कैलाश मार्ग है वहां से इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। जी